ऐसा नहीं है, बट रोशनी सुबह वाली है। दोपहर के 2 बज रहे हैं मगर ये सुबह ही लग रही है। और अम्मी बना रही हैं चिकन, और ये बड़ा जबरदस्त तरीका है, मैंने कहा मैं जरूर शेयर करूंगी। ये देखो एक साइड पे प्याज है, थोड़ा सा लहसुन इधर फ्राई हो रहा है, और ये चिकन क्यूब है, ठीक है, बोनलेस है। अम्मियों की रेसिपी बड़ी मजेदार सी होती है, इसलिए मैंने ये लास्ट में शेयर करनी चाहिए। अभी बन क्या रहा है मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं, कुछ कटिंग कर रही हैं साथ, कुछ ना कुछ बना रही हैं मैं, वो भी साथ साथ ही खाती हूँ। ये देखें ये टमाटर काट रही हैं वो, और यहाँ पर इसकी ये तैयारी हो रही है। अब ये साथ साथ फ्राई होता जाएगा, साथ साथ इसको भी देख रही हूँ, साथ साथ कटिंग भी कर रही हैं। और यहाँ पर हो रहा है दोपहर का खाना तैयार, और यहाँ पे ये देखें ये फ्राई होता जा रहा है। और एक साइड से मुझे पता नहीं है बट क्या रेसिपी बन रही है, बट एक साइड से उन्होंने शिमला मिर्च भी काटी हुई है, तो वो मैं आपको दिखाती हूँ कहाँ काट के रखी हुई है अम्मा जान ने शिमला मिर्च। और यहाँ पर ये कटिंग करने के लिए इब्राहिम साहब आ गए, डेंजरस है इब्राहिम। मोगा ओके गिमी, हाँ गुड। अरे शिमला मिर्च काटी हुई जी बेटा, बट जी ओके 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 ओके, कह रहे मूवी ना बनाओ जो ना बनाओ और मुझे दो। और ये देख ओके कट करने के लिए दूं मैं आपको, ओके मैं देती हूँ ये साथ में, इनको भी कट करना है इब्राहिम साहब को, उनके लिए मैंने निकाली है छोटी सी छुरी प्लास्टिक की, अभी इसे कट करेंगे। चले कट करके जी कट करके दिखाएंगे आप मुझे, ये इब्राहिम साहब जो सबने करना है ये काम, बच्चों ने तो जरूर करना है। कटिंग हो रही है शिमला मिर्च नहीं कट रही, ये देखे चले चले नहीं कटी नहीं कटी। चले जी हम चलते हैं अम्मा जान की रेसिपी की तरफ, और ये अभी तक चिकन फ्राई नहीं हो रहा है, हल्के की आँच कम है, इसके साथ साथ आपको दिखाते हैं। देखें यहाँ पर ये कट किया है उन्होंने टमाटो, दो छोटे अदर, दो अदर छोटे हैं, हल्दी है, सॉल्ट है, चिली फ्लेक्स है, कुटी हुई मिर्च, पिसा हुआ धनिया, और ये ग्रीन चिली काट रही हैं। ये सब मेरे ख्याल से मिक्स करके वो बनाएंगी। और यहाँ पर ये और फ्राई हो गया, मैं अब इसको थोड़ा सा मैं भी थोड़ी सी हेल्प कर दूँ, मैं फिर वीडियो बना रही हूँ। थोड़ा सा प्यार साइड से हो रहा है, एक हाथ से नहीं मिक्स हो रहा, मैं इसको ज़रा पहले मिक्स कर लूँ फिर दिखाती हूँ मैं इसको। मम्मा जान से भी आ गई, उसे भी अपने सालन को ठीक करूंगी जी बेटा। ओके ना दर अच्छा, ये ब्राउन कर रही हूँ वो भी। अच्छा मजे की सबसे अच्छी बात ये है कि वो उसको प्याज को अलग से ब्राउन कर रही है, और चिकन को अलग, एक ही पैन में दो अलग अलग पोर्शन होंगे। घर में सालन बहुत कम तक खाते हैं, इसलिए हम कुकिंग बहुत कम करते हैं, मतलब कुकिंग सॉरी कम नहीं करते, क्वांटिटी बहुत थोड़ी सी रखते हैं, वही सेम बात ही होगी। उसके बाद ये हम डालने हैं शिमला मिर्च और बंद गोभी, कैबेज कैबेज हमने अच्छा कह रहे हैं हम लोग पंजाबी बोलते हैं, पंजाबी स्पीकिंग में मेरे मेके वाले साइड से और वो हम आज ही टमाटो गोभी अभी इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, मैं अभी इसको मिक्स कर रही हूँ। उसके बाद ये इनकी जो चीज़ें थी मिक्स करके मैं रखी थी टमाटो और ये ग्रीन चिली वगैरह, अभी ऐड कर रही हूँ। ये बच्चों की प्लेट ये बच्चों की प्लेट है जिसके अंदर हमने मिक्स किया था, हमने नहीं मिले नहीं किया था, अब वो उसके अंदर अभी तक आपको चला हुआ था, इसमें तो नहीं है। और ये देखिए मैं उनके वो जरा हट के दिखाती हूँ, आज ये आपका हाथ ज़्यादा आ रहा है वो, ये देखिए अब ये जब रेडी हो जाएंगे फिर दिखाएंगे, अब सब चीज़ें इसमें डाल देंगे, इसमें कुछ भी और मजीद ऐड नहीं करना, और इसी से इंशाल्लाह टेस्ट ही चलाएगा, और ऑयल अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें, ये बड़े मज़े की रेसिपी बनेगी इंशाल्लाह। और ये देखें फाइनल लुक, सालन बिल्कुल भून कर अच्छे तरीके से हो गया है तैयार, ये देखिए ये देखिए ऑयल भी साथ ऑयल भी छोड़ती है, खाना तभी रेडी होता है सबको पता होगा जब ऑयल छोड़ दे,
साली। और ये देखें, ये बिल्कुल हो गया है रेडी। हल्की हल्की सी आंच पर रखा है इसको। सब चीजें डाल लेने के बाद इसको अच्छे से भून लेना। और ये देखें, ये भुना गया है और यहाँ पे ये हो गया है सालन बिल्कुल डन, झटपट वाला, फटक से बन जाता है फटक से।